अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम बेसिकली देखेंगे कि सेवन जो एक सीक्रेट ट्रिक्स कह लें आप, टिप्स बोल लें, जो आपकी पीपीसी को एक बेहतर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है हमारे पास, उसको आप कह सकते हैं कि टारगेट न्यू कंपटीशन। तो न्यू कंपटीशन को कैसे आप टारगेट करते हो, आप टारगेटिंग में आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करोगे कीवर्ड की बजाय। आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग चूज़ करोगे। अब कैसे इससे हमें बेनिफिशियल हो सकता है ये हमारे लिए, तो अभी आप ये एक एग्जांपल देखें कि ये कोई एक प्रोडक्ट है और उनके रिव्यूज़ हैं 376, उसकी प्राइस है 1126। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं तो ये यहाँ पर रिव्यूज़ चेक करें तो ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगी बाय बॉक्स के बिल्कुल नीचे। और उसके साथ भी ये देखें, ये यहाँ पर भी ये भी एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट शो होंगी उनको। तो हम प्राइस में हमारी बेशक ज़्यादा है, पर ऑब्वियसली हम एक ओल्ड सेलर हैं, उनसे हमारी रेटिंग्स रिव्यूज़ उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा चांस आपकी हो सकता है कि आप सेल जो है वो आप पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हैं, ओके सो यहाँ पर एक आपके पास एक फिल्टर होता है, जब आप कोई भी सर्च करते हो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो, फीचर्ड कर सकते हो, या फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको शो कराते हैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट हाई टू लो है, कस्टमर रिव्यू है और न्यू न्यूएस्ट अराइवल है। तो यहाँ पर आप न्यू कंपटीशन को अपना फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन किस को टारगेट किया जा सके। उसके बाद जो सेकंड है आपके पास ट्रिक है वो है टारगेट इन स्पेनिश। तो अगर आप अमेरिका में एक काम कर रहे हो, अमेरिकन मार्केट में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश भी बोलते हैं, और तो ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो कोई एक कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में लोग होंगे, पर अभी सिर्फ आप ही उनको टारगेट कर रहे हो। मैक्सिमम लोग इंग्लिश के कीवर्ड्स पर को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए स्पेनिश के लोग वहाँ स्पेनिश लोग वहाँ पे बोलते हैं और उनको भी टाइप वो करते होंगे कीवर्ड्स को। तो बेशक वो उनका सर्च वॉल्यूम लो है, पर फिर भी यू विल बी वन ऑफ द फ्यू सेलर्स हु आर टारगेटिंग दैट ऑडियंस। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसको कैसे आपने करना है कि नट बटर है, तो उसको सिंपल गूगल ट्रांसलेट से स्पेनिश में कन्वर्ट करके उसको आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है सेपरेटिंग ऑटो कैंपेन्स। तो ऑटो कैंपेन्स, आपको पता है ऑटो कैंपेन्स में मैच टाइप फोर्स हो सकती हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही एक ये बेनिफिशियल हो सकता है कि ताकि आप को एक डिस्टिंक्ट कर लें कि कौन सा कीवर्ड किस मैच टाइप से पे बेहतर काम कर रहा है। तो इस ये चार कीवर्ड मैच टाइप्स होती हैं, तो आप इनको वन बाय वन ये फोर डिफरेंट कैंपेन्स बनाएं इनकी, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होएगा। फिर हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है, तो कैटेगरी टारगेटिंग फिल्टरिंग बैड कंपटीशन। तो कैटेगरी टारगेटिंग में करते वक्त आप जो आपसे मतलब बैड कंपटीशन है, कि अच्छे सेलर्स नहीं हैं, तो उनको आप फिल्टर आउट कर दो। उससे क्या होता है कि आपने वो प्रोडक्ट अपनी सर्च की, तो उससे फिर आप उनकी जो हैं एसिन्स अब BSR वगैरह देखें, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, तो यहाँ पर देखें 14,377 है, और बाकियों का आप चेक करें तो 3,500 है, 4,000 है, 8,000 है, तो इस तरह का BSR है, और इसका BSR वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इस तरह के जो बैड कंपटीशन है, आप उनको नोट डाउन करके कंपटीशन से निकाल सकते हैं।
ओके सो यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज होती है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज आप पीनट बटर आपने एंटर किया, कैटेगरी आपके पास यहाँ पर आ जाती है, उसको रिफाइन भी कर सकते हो आप। रिफाइन आपने कैसे करना है कि ब्रांड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद प्राइस रेंज एंटर कर सकते हो, रिव्यू स्टार रेटिंग आप कर सकते हैं और शिपिंग कर सकते हैं, प्राइम एलिजिबल है नॉट प्राइम एलिजिबल यहाँ पर आप कर सकते हैं, उसके बाद टारगेट करेंगे तो आपकी टारगेटिंग कम्प्लीट हो जाती है कैटेगरी में। उसके बाद आप कुछ लोग ये आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिडिंग स्ट्रेटजी, तो आपका बजट जो है वो हाई होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव पीपीसी करते हैं पर उनका बजट बहुत कम होता है, तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने एक बिग बड़ा बजट आपने रखना है और उससे स्मॉल बिडिंग करनी है, मतलब जो सजेस्टेड है उससे भी कम आपने बिडिंग करनी है, तो इस तरह आपका ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप की प्रोडक्ट विजिबल रह सकती है। सो दैट्स इट, थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं, जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए व्हाट्सएप 00971-565-499-494 या ईमेल कीजिए info@thereteofpefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।